तरकश में सबसे पहले बात उस खबर की जिसने पूरे विश्व में नया कीर्तिमान बनाया है। आज सावन का तीसरा सोमवार है। उज्जैन में यानी महाकाल की नगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। महाकाल लोक के पास शक्ति पथ पर 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाया। उज्जैन का नाम सबसे अधिक लोगों के डमरू बजाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अब दर्ज हो चुका है। सावन का तीसरा सोमवार, बाबा महाकाल की नगरी और एक साथ 1500 डमरों की धुन, किसी भी शिव भक्त के लिए यह एक बड़ा दिव्य और अलौकिक दृश्य था। भक्ति की लहरों के बीच धुन आप सुन रहे थे। 10 मिनट तक लगातार महाकाल लोक में जब एक साथ 1500 डमरू बजे, जो दिव्य माहौल था वो देखने और सुनने लायक था। महाकाल की सवारी से पहले यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। जब महाकाल लोक के पास शक्ति पथ पर 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाया। इसके बाद उज्जैन का नाम सबसे ज्यादा लोगों के डमरू बजाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। लगातार 10 मिनट तक यह भव्य आयोजन चलता रहा। हर तरफ बाबा की भक्ति की अलौकिक छटा बिखरी हुई थी और साथ में उज्जैन में मौजूद भक्त इसके गवाह बन रहे थे। तो देखा आपने डमरियों की ध्वनि और भक्ति की शक्ति, यह अनूठा मिलाप देखने को मिला। अवंतिका नाथ भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में डमरू नाथ का विश्व रिकॉर्ड बना। 1500 डमरू वादकों ने पूरे उत्साह उमंग के साथ डमरू बजाया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसको लेकर बधाई दी। सोशल मीडिया एक्स पर सीएम ने लिखा, गूंज उठी धरती, गूंज उठा आसमान, 1500 डमरों के नाद से अवंतिका नगरी ने रचा विश्व कीर्तिमान। बाबा महाकाल की नगरी को डमरू की नाद से गुंजयमान करने की एक इच्छा आज साकार हो गई। आज पवित्र श्रावण के तीसरे सोमवार को जब भस्म आरती की धुन पर डमरू वादन कर उज्जैन ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। इस अद्भुत और अलौकिक अनुभूति को शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल हो गया।